नमस्कार मित्रों, राजस्थान में इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ नई भर्ती के लिए विज्ञापन है वो जारी हुआ है। इसके ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गए हैं, तो इस भर्ती के बारे में इस सेशन में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। इसके लिए अगर ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 20 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और इसमें आपकी वेरियस लगभग टोटल 22 पोस्ट हैं और 22 पोस्टों में सारे की सारी मोस्टली आपकी इंजीनियरिंग फील्ड से है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सारी की सारी ये भर्तियां हैं। तो इसमें कुछ भर्तियों में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और कुछ भर्तियां हैं विदाउट एक्सपीरियंस की, आपकी डिग्री और डिप्लोमा की आवश्यकता है। तो इन भर्तियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भर्ती वैसे राजस्थान सरकार की ही आप मान सकते हैं। जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी है, पचपदरा में राजस्थान की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी, जिसमें 74% जो हिस्सा है वो HPCL का है और 26% जो इसमें भागीदारी वो राज्य सरकार की है। तो इस रिफाइनरी में कुछ इंजीनियरों की आवश्यकता है और इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। तो इसमें क्या क्या आवश्यकता है, कौन सी डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत है और कौन आवेदन कर सकते हैं, तो वो हम कम्प्लीटली है वो डिस्कस करेंगे। और इस रिफाइनरी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत बार सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो ये आप सभी को पता ही होगा कि पचपदरा बालोतरा जिले में ये स्थित है और 9 मीट्रिक, जो मिलियन मीट्रिक टन पर एनम इस रिफाइनरी की है वो क्षमता है, ठीक है, कैपेसिटी है। और हिंदुस्तान HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट की ये आपकी साझी भागीदारी वाली एक जॉइंट वेंचर है। तो इसमें अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस भी बताऊंगा कि आप कहां पर और किसके माध्यम से है वो आवेदन कर पाएंगे और इसकी एलिजिबिलिटी इत्यादि क्या है वो भी हम पूरी है वो देखेंगे। तो देखिए, एक वैकेंसी है, पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 60 पोस्ट है, इसमें 60 पोस्ट है और सैलरी इसका E0 है। इनके अनुसार अलग अलग ग्रेड है ये, और मिनिमम जो आपकी पे स्केल है वो 30,000, यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से है वो स्टार्ट होगी और 1,20,000 तक इसकी है वो आपका पे स्केल रहने वाला है। और इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है और मैक्सिमम जो एज है ये आपकी 25 साल, इसमें अधिकतम उम्र है ये मांगी गई है, ठीक है। इसके अलावा सीनियर इंजीनियर प्रोसेस में ये रिफाइनरी के लिए इसमें टोटल 14 पोस्ट हैं और इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी पेट्रोकेमिकल में है, इसमें भी 6 साल का एक्सपीरियंस है, 34 साल मैक्सिमम एज है इसकी। तो ये इस प्रकार से अलग अलग है। तो आइए हम देखते हैं कि जो विदाउट एक्सपीरियंस वाली है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, बाकी वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो अलग अलग इसमें जो मेनली भर्तियाँ हैं, टोटल 126 इसमें पोस्ट आपको वो देखने को मिलेगी। तो देखिए, डेट है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो गई है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कट ऑफ डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राइट कंप्लीशन ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एज ETC विल बी एज ऑन 11th मार्च 2024। यानी कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इत्यादि है, आपसे जो अनुभव, इस यहाँ पर अलग अलग कुछ पोस्ट में अनुभव मांगा गया है, तो वो जो अनुभव इत्यादि सारी आपकी 11 मार्च 2024 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी इसमें आपका जो एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम है, उसके आधार पर आपका फाइनल है वो सिलेक्शन है वो होने वाला है। तो वो रिटर्न एग्ज़ाम का किस प्रकार से क्या उसका रहेगा, उसका सिलेबस इत्यादि है वो किस प्रकार से क्या है वो भी हम वो देखेंगे इसमें। तो ये आपको 11 मार्च 2024 तक इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगी है, एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वर्क एक्सपीरियंस है वो मेंशन किया हुआ है प्रत्येक जो जॉब डिटेल है इसके आगे है, तो यहाँ पर हम उनको देखेंगे सभी को। तो जॉब डिटेल यहाँ पर दी गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की। तो इसमें ज़्यादातर आपके एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस है वो केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, यानी कि जो केमिकल जो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें क्या रखा गया है वो हम डिटेल में देखते आइए कि डिप्लोमा आपका किस में होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में,
इसके अलावा आप पे केमिकल इंजीनियरिंग में या फर्टिलाइजर में डिप्लोमा है तो भी चलेगा। केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक और पॉलीमर वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, शुगर टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया है तो भी चलेगा, ऑयल टेक्नोलॉजी में है तो भी चलेगा, या पॉलीमर टेक्नोलॉजी में है तो भी चलेगा। विद मिनिमम 60% एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ ऑल सेमेस्टर फॉर अनरिजर्व ओबीसी नॉन क्रिमिलर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो यहाँ देखिए, आपका डिप्लोमा है वो इस केमिकल इंजीनियरिंग वाले में है, वो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी ज़रूरी है कि आप अगर सामान्य वर्ग से हैं या ओबीसी के संपन्न वर्ग से हैं, नॉन क्रिमिलियर के हैं, या आप आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, तो आपको 60% इसमें सभी जो सेमेस्टर आपके जितने भी जो इसमें सेमेस्टर होते हैं उन सभी सेमेस्टर में एग्रीगेट रूप से आपके यानी कि 60% आपके हैं वो होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू आपके यानी कि फिजिकली जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, या जो आप ओबीसी से है, ठीक है, उससे अगर आप संबंध रखते हैं, ओबीसी जो नॉन क्रिमी जो क्रिमिलियर श्रेणी के हैं, ठीक है, जो संपन्न वर्ग के नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को 50% अगर आपके इस सभी सेमेस्टर में एग्रीगेट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो इसकी एक एलिजिबिलिटी हो गई। इसके अलावा अगर ये ऊपर वाली आपके कोई भी एक नहीं है, ऐसी नहीं है, तो क्या जरूरी है? बीएससी विथ केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट, यानी कि बीएससी होनी चाहिए मुख्य सब्जेक्ट के रूप में, ऑनर्स के रूप में। आपने अगर केमिस्ट्री ऑनर्स बीएससी आपने की है और उसमें ऑनर्स में आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो भी आप इसमें इसमें है वो आवेदन कर सकते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री है तो भी कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है तो भी कर सकते हैं। यानी कि बीएससी होनी चाहिए, उसमें ऑनर्स के रूप में आपकी केमिस्ट्री है वो सब्जेक्ट है, वो प्राथमिक सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी यही चीज़ें हैं कि 60% एग्रीगेट जो आपका ऑल सेमेस्टर में है वो होना चाहिए इन वर्गों के लिए, और बाकी जो वर्ग हैं एससी एसटी और फिजिकली जो वीकर सेक्शन इत्यादि है, ठीक है, तो उनके 50% है वो आपके सभी में एग्रीगेट रूप से 50% आपका होना चाहिए। अब एसेंशियली जो फिजिकल फिटनेस है, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी आप है वो फिजिकल फिट होने चाहिए, तो इसमें कहा गया है कि एडवर्टाइज्ड पोजिशन रिक्वायर वर्किंग इन ओपन एरिया, क्लाइंबिंग टॉल स्ट्रक्चर, कॉलम एंड टैंक्स बाय स्टेयर्स एंड मंकी लेडर्स, क्विक रेस्पॉन्स टू यूनिट एमरजेंसीज और प्रोसेस अपसेट्स। यानी कि सारा जो काम है उसमें जो फिजिकली काम काफ़ी ज़्यादा होता है, जो इक्विपमेंट इत्यादि है, काफ़ी ऊपर लेकर के चढ़ने होते हैं, नीचे उनको लेने होते हैं, तो इस प्रकार के कुछ इसमें फिजिकली एक्टिविटीज ज़्यादा है, इसलिए आपको फिजिकली रूप से है वो फिट इसके लिए होना जरूरी है। अगर आप फिजिकली रूप से अक्षम हैं, दिव्यांग इत्यादि हैं, तो वो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी डिसेबल उसमें आप है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर दी हुई है स्टार्टअप कमीशन एंड ऑपरेट इक्विपमेंट सच ए पंप्स, तो ये आपके इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी, यानी कि क्या क्या इसमें आपको काम है वो करने पड़ेंगे। तो ये जॉब प्रोफाइल यहाँ पर आप है वो देख सकते हैं इसकी, ठीक है। तो ये आप डिटेल में भी इनको पढ़ सकते हैं। सीनियर इंजीनियर प्रोसेस जो रिफाइनरी में है, इसके लिए आपको 14 इसमें पोस्ट है और 4 साल का इसमें फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स का आपको है वो किया हुआ होना चाहिए, बीई या बीटेक किया होना चाहिए केमिकल में, और 60% आपको एग्रीगेट परसेंटेज होने चाहिए सभी सब्जेक्ट में, और ये परसेंटेज वाला जो सेमी है उसमें हमने देखा, इसमें जो आवश्यक असेंशियल जो एक्सपीरियंस है वो 11 मार्च 2024 तक आपको क्या होना चाहिए कि 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि जो आपके क्वालिफिकेशन है ये कंप्लीट होने के बाद में 6 साल तक का आपका है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, ऑपरेशन या टेक्निकल प्रोसेस डिवीजन इन ए रिफाइनरी सेक्टर में आपको है वो अनुभव होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन टेक्निकल सेक्शन ऑफ क्रूड डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो इस प्रकार के आपके वेरियस यहाँ पर मेनली क्या है, एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है, और इसमें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए वो यहाँ देख सकते हैं। सीनियर इंजीनियर की बात करें तो इसकी जो सैलरी इत्यादि है वो हमने ऊपर देखा,
और नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। 4 साल का आपका फुल टाइम इंजीनियरिंग कोर्स बीई या बीटेक होना चाहिए, केमिकल पेट्रोकेमिकल या पॉलीमर में 60% या 50%, एससी एसटी के है तो 50% आपके एग्रीगेट इसमें होने चाहिए। और असेंशियल वर्क जो एक्सपीरियंस है वो 6 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें ये संबंधित आपके सेक्टर है वो बताए गए हैं, ठीक है। इसमें भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इत्यादि क्या होगी वो यहाँ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करें तो उससे संबंधित कंप्लीट जो जानकारी है वह मैं आपको जो की पॉइंट है मेन मेन बता रहा हूँ। तो आवेदन अगर आप करते हैं तो कंप्लीट डिटेल आप स्वयं है वो जरूर पढ़ें। सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनरी के हैं तो इसमें 7 टोटल पोस्ट हैं और 4 साल की इसमें आपको बीई या बीटेक होना चाहिए और इसमें भी केमिकल में है वो होना चाहिए। इसके अलावा असेंशियल जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 12 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो सीनियर मैनेजर प्रोसेस ये है तो इसका 5 जो वैकेंसी है और 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स है वो आपका केमिकल या पेट्रोकेमिकल पॉलीमर में है वो होना चाहिए और यहाँ पर एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की ये जो मल्टीपल वैकेंसीज हैं एक बार आप पूरा स्वयं देखिए, इसकी पीडीएफ आपको ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एग्ज़ाम किस प्रकार से क्या होगा, इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है और वो सारी महत्वपूर्ण जो बातें आपके लिए ज़रूरी है, ऑनलाइन आवेदन आप किस प्रकार से करेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके कोई और भी डिग्री डिप्लोमा ऐसा कुछ किया हुआ है तो जैसे आप आवेदन करेंगे उस आवेदन में इसमें केवल आपके जो डिग्री डिप्लोमा इसमें ज़रूरी है उसके ही ऑप्शन आएंगे, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल सेलेक्ट करने की आवश्यकता होगी। वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके एक्सपीरियंस और जो क्वालिफिकेशंस है इससे संबंधित जो सारे डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मेनली आपकी बात करें तो पे स्केल इत्यादि है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें ये भी कहा गया है कि आपका प्रोबेशन जो पीरियड होगा वो कितना होगा, वो प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल का रहेगा, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है वो आपका रहने वाला है। और प्रोबेशन पीरियड में आपको मिनिमम जो सैलरी है वो आपको दी जाएगी। और अगर आप प्रोबेशन पीरियड में यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेबल ओनली फॉर पे स्केल 30,000 से 1,12,000 एन अमाउंट ऑफ 3 जो आपका 100 है, ठीक है, सॉरी 3,000 है वो आपको पर मंथ है वो दिए जाएंगे रिटेंशन अमाउंट के रूप में। और टोटल एम्यूलमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंडेड प्रोबेशन पीरियड इन पे स्केल ऑफ 30 जो आपके 1,000 है टू 1,20,000। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है तो आपको क्या होगा कि 1 साल में प्रोबेशन पीरियड में आपको जो रखा जाएगा उसमें आपके जो सैलरी है वो एक फिक्स सैलरी के रूप में दी जाएगी, शेष जो बची सैलरी है वो आपको आफ्टर जो प्लेसमेंट है वो पोस्टिंग के बाद में दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी होते हैं वो बीच में छोड़ करके चले जाते हैं इस प्रकार से है। तो इसलिए आपको 3,000 पर मंथ है वो 1 साल तक मिलेंगे और शेष जो सैलरी है आपकी जो पूरी की पूरी बाद में आपको दे दी जाएगी जब प्रोबेशन आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है, रिफंड कर दी जाएगी कन्फर्मेशन के बाद में, सारी की सारी आपको रिफंड है वो हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस प्रकार से क्या होगा, तो फॉर एस जी ई ज़ीरो यानी कि जो आपकी विदाउट जो एक्सपीरियंस वाली जो आपकी पोस्ट है, ठीक है, उसमें अगर बात करें तो एग्ज़ाम है वो होगा जिसमें CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपका स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के बाद में आपका व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा और कैंडिडेट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो उसको CBT में कंसीडर करते हुए आपका जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और वो 2 भागों में है वो आपका होगा, जिसमें एक पार्ट है वो जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा जिसमें इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट आपका है वो बौद्धिक क्षमता आपकी है, ठीक है, वो आपकी परखी जाएगी। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित सवाल होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश जो टेस्ट है यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से टेस्ट आपसे यहाँ पर है वो लिया जाएगा। तो इसमें जनरल जो आपका एप्टीट्यूड वाला है तो इसमें आपका क्या आएगा, GK इसमें है वो नहीं आएगा, इसमें लॉजिकल रीजनिंग है, इंटेलेक्चुअल जो आपकी बौद्धिक क्षमता है ये है, ठीक है। इसके अलावा
इंग्लिश है और आपकी मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इत्यादि है, वो चीज़ें आपसे डाटा इंटरप्रिटेशन इत्यादि है वो पूछी जाएगी। टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज में आपसे जो आपका बैकग्राउंड जिस सेक्टर में रहा है, आपने जिस चीज़ से मेनली आपने जो डिग्री या डिप्लोमा जो किया है, उस डिग्री या डिप्लोमा में आपने ग्रेजुएशन में या डिग्री डिप्लोमा के दौरान आपने जो जो चीज़ें पढ़ी है उसी से रिलेटेड वही आपका जो सिलेबस है इसमें है वो रहने वाला है, उस आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से संबंधित है वो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। और वैसे ये एग्ज़ाम हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपकी फिर आप मेरिट है वो जारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके इसमें मेनली प्रोसेस रहेगा और इसके बाद में आपका मेडिकल जो बेसिस पर मेनली मेडिकल टेस्ट भी है वो होगा और उसमें आप सारे दक्ष पाए जाते हैं, शारीरिक रूप से भी फिट होते हैं, तो फाइनली आपको है वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एलिमिनेशन राउंड देखिए, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज है वो 50% क्वालिफाइंग फॉर ऑल कैटेगरी में और ओवरऑल क्वालिफाइंग इन सीबीटी प्लस टेक्निकल प्रोफेशनल 60% फॉर अनरिजर्व एंड 40% और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर है वो रखे गए हैं। टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज में 50% जो आपके क्वालिफाइंग होने चाहिए ऑल कैटेगरी में, ठीक है, ऑल कैटेगरी में 50% होने चाहिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इत्यादि ये जो चीज़ें हैं वो दी हुई है। स्किल टेस्ट की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी ऑब्टेंड 40% और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए और बाकी 33.33% SC ST OBC के लिए। तो यहाँ पर भी आपके कम से कम जो अहर अंक है वो भी आपके है वो होने चाहिए, इतने तो आपके होने चाहिए। सारे जो आपके इसमें जो पर्सनल इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें सारी चीज़ें आपको है वो करनी होगी, ठीक है। और ये आपका इसमें ई और E5 जो अलग अलग ऊपर दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर है वो मेनली टेक्निकल कॉम्पिटिशन जो कॉम्पिटेंसी इंटरव्यू और उसके बाद में आपका व्यवहार किस प्रकार से है उसका भी इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसमें भी आपके इंटरव्यू के आधार पर मार्क्स दे करके आपको सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसको एक्सपीरियंस की आवश्यकता है उन एक्सपीरियंस्ड अभ्यर्थियों को इस प्रकार से आपको सेलेक्ट है वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, रिजर्वेशन इत्यादि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ऑनलाइन जो आवेदन है वो आप किस प्रकार से करेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसके अलावा आप जिस कैटेगरी से संबंधित रखते हैं, जिस कैटेगरी से रिलेटेड है, तो उस कैटेगरी का आपको है वो सर्टिफिकेट इत्यादि है वो आपके पास में होना चाहिए और उस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा इत्यादि भी आप इस वेबसाइट पर आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आप एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी, तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 20 मार्च 2024 से आप है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 15 अप्रैल इसके ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है और www.hrrl.in पर जाकर के कैरियर का विकल्प मिलेगा, उसमें कैरियर के टैब पर जाकर के करंट ओपनिंग पर क्लिक करके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST PWBD कैंडिडेट्स आर एक्सपेंडेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस है और अनरिजर्व कैटेगरी के OBC NC और EWS कैंडिडेट जो कैटेगरी है आर रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल 1180 रुपये है आपको वो दिए जाएंगे, बाकी SC ST वालों को जो एक्सेप्टेड है वो किया गया है, ठीक है। तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इत्यादि है और बाकी आपके सारा एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन 11 मार्च तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब आप ऑनलाइन आवेदन कैसे किस प्रकार से करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर बात करें तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है और इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ओवरव्यू के बारे में अबाउट अस में आप है वो उनके बारे में है वो कुछ देख सकते हैं। राजस्थान रिफाइनरी 18 सितंबर 2013 में ये मेनली इस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद में इसका उद्घाटन इत्यादि मोदी जी ने है वो बाद में किया था, ठीक है। बालोत्रा में है, इस्टेब्लिश है। इसमें आप अगर बात करें तो इस वेबसाइट पर आप जाकर के ये जो करियर सेक्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, करंट ओपनिंग है इस पर आप क्लिक करेंगे, तो करंट ओपनिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको
यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, तो ये आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख सकेंगे। और बाकी कोई फॉर्मेट इत्यादि, फॉर्म इत्यादि आप डाउनलोड करना चाहे तो वो यहाँ से आप कर सकेंगे, जो एक्सपीरियंस इत्यादि वो चीज़ें हैं अगर चाहिए, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकेंगे, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको वेरियस जो पोस्ट है वो यहाँ पर है वो दिख जाएगी, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक, हियर टू अप्लाई है इस पर आपको को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका पूरा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, और इसमें आपको सेंटर प्रिपेयर्ड है वो करना है। तो सेंटर आपके कहाँ कहाँ पर आएगा, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा है, यहाँ पर आपको वो सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर यहाँ देख आप चूज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशंस इत्यादि है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन इन अभ्यर्थियों वाले बीएससी केमिस्ट्री में है वो कर सकता है, यानी कि पहली वाली जो आपकी वैकेंसी 1 नंबर की जो बिना किसी एक्सपीरियंस वाली है, इसमें ये सारी दी हुई है। तो जो जो इसमें क्वालिफिकेशंस है, तो बीएससी वाले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में या पॉलीमर केमिस्ट्री या केमिस्ट्री ऑनर्स के रूप में अगर है तो आवेदन कर सकते हैं। और बाकी इसमें ड्यूरेशन कोर्स है वो टाइम आपको लिखना है, और कौन सी यूनिवर्सिटी ने आपसे कहाँ पर है वो की है तो वो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। इसके अलावा ये आपकी सारी जो एचएससी 12th है क्या नहीं है, 10th इत्यादि आपने कब क्या की है, तो वो आपको यहाँ पर है वो सेलेक्ट करना है। और आपके फ़ोटो इत्यादि आपको लगाना है, और फ़ोटो की साइज़ इत्यादि है वो आपको यहाँ पर जो मांगी है वो आपको लगाना है। रिड्यूस कैसे करें साइज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाकी जेएन के लिए जो वैकेंसी है कर्मचारी चयन बोर्ड की, वो अभी आपके लोकसभा जो इलेक्शन है उसके बाद ही आपको देखने को है वो मिलेगी। और आगामी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए अभी फिलहाल कुछ अभ्यर्थी एएन की जो वैकेंसी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में है उसकी आई हुई है, तो उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर इसके कंप्लीट जो कोर्स है, राजस्थान जीके जो पार्ट ए है, इसमें जो राजस्थान भूगोल, कल्चर और राजस्थान के इकोनॉमिक्स है उससे जुड़े सवाल आपसे वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो नया बैच है वो 28 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, और अगर आप पीआरओ, एएसओ, एओ की तैयारी भी कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये कोर्स समान रूप से आपका उपयोगी है। जेएन के लिए भी जो कोर्स है वो चल रहा है राजस्थान जीके का, और कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए भी राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और पॉलिटी का जो कोर्स है वो नया अभी स्टार्ट हुआ है। तो इसका जो सिलेबस है वो जेएन का और जूनियर इंस्ट्रक्टर का एक जैसा ही है, तो आप इसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस कोर्स का है वो हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।